हेलो गाइस, वेलकम टू डीजी मंडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डीसी स्टैंडर्ड यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी ब्लैक एडम के बारे में। ब्लैक एडम की शूटिंग इस साल से स्टार्ट हो जाएगी, जी हाँ, अगस्त के महीने में। अभी हाल ही में जो अपडेट आए हैं जिसमें कि हमारा मेन फोकस होगा ब्लैक एडम का कैरेक्टर, जिसमें हमें उसकी ओरिजिन देखने को मिलेगी। और ब्लैक एडम का जो कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं डे जॉनसन, उन्होंने अभी हाल ही में काफी सारी इमेजेस डाली अपने वर्कआउट को लेकर, जिसमें कि वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस कैरेक्टर को लेकर। जी हाँ, और तो और इस मूवी में हमें दो कैरेक्टर और देखने को मिलेंगे, एक तो शज़ाम और एक सुपरमैन, जिसमें कि अभी हैनली ने वॉर्नर ब्रदर्स कंपनी से बात भी करी है इस कैरेक्टर को लेकर कि वो किसी मूवी में कैमियो दे सकते हैं या फिर किसी मूवी में आ सकते हैं। तो इन दोनों की भी कैरेक्टर की वर्कआउट की इमेज सामने देखने को मिली है। अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करते हो तो आप इन्हें सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इनकी अपडेट भी पता चलते रहे, और वरना नहीं पता चलते तो मैं तो पता ही दूंगा। उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का बैटमैन से रिलेटेड। बैटमैन में जो हमें कार देखने को मिल सकती है बैट मोबाइल, उसका ऑफिशियली कार मॉडल देखने को मिल चुका है, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, और इसके अलावा काफी सारे हैं तो जो कि आपको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे देखने को मिल जाएंगे। देन अगला अपडेट है काफी कमाल का ब्रिटिश जैक्सन से रिलेटेड, जो कि वंडर वूमेन की डायरेक्टर है। उन्होंने अभी हाल ही में रिवील करा एक इंटरव्यू में कि उन्हें ऑफर हुई थी जस्टिस लीग मूवी। जी हाँ, उन्होंने अभी हाल ही में रिवील करा, और देन ये बहुत बड़ी बात है कि उन्हें जस्टिस लीग ये मूवी ऑफर हुई, पर उन्होंने क्यों मना करा अभी तक ऐसा कुछ रिवील नहीं हुआ है। अब इसका रीजन तो इन फ्यूचर ही पता चलेगा कि उन्होंने क्या रीजन से मना करा इस मूवी को। साथ ही साथ अपकमिंग जो मूवी आ रही है वंडर वूमेन का सेकंड पार्ट 84, उसके ऑफिशियली लेजेंडरी टॉय रिलीज कर दिए गए हैं, जो कि एकदम रियलिस्टिक लग रहे हैं। और साथ ही साथ वंडर वूमेन के ऑफिशियली नए कॉन्सेप्ट आर्ट भी लॉन्च करे हैं, आपको मेरे सारे सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप जाके फॉलो करिए और वहां पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो मार्गरेट रॉबर्ट, जो कि हाल ही में उनका कैरेक्टर प्ले करती है डीसी यूनिवर्स में, उन्होंने अभी हाल ही में वॉर्नर ब्रदर्स कंपनी से बात करी है। अब काफी लोगों का ये सोचना है कि शायद मे बी वो फ्यूचर की कोई मूवी हो सकती है, या तो गौतम सिटी साइरेंस या फिर हार्ली क्विन जोकर मूवी। अब देखते हैं इन फ्यूचर क्या होगा, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। जॉन मैंग्लिगो, जो कि डेस्टोक का कैरेक्टर प्ले करते हैं डीसी यूनिवर्स में, उन्होंने अभी हाल ही में एक पोस्टर डाला, ये वाला जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। उन्होंने अपने हैशटैग में क्या डाला, फ्लैश पॉइंट। तो शायद मे बी वो फ्यूचर फ्लैश मूवी में देखने को मिल सकते हैं। और अगला अपडेट है काफी कमाल का, हमें अपकमिंग बैटमैन मूवी में जोकर पॉसिबली देखने को मिल सकता है, ऐसा एक रूमर चल रहा है। और जो भी ऑफिशियली कंफर्मेशन होगा इन फ्यूचर मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो पेज को लाइक करें, रियल में आपको वीडियो पसंद आता है लाइक और शेयर करो। जो मतलब इस वीडियो को नहीं देखे हो, या तो उस पर बंडू मेरे हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय, जा रहा हूँ।